बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का समाधान इंडिया में। दुर्गा पूजा अब समाप्त हो चुका है और लोगों ने इस बार कोविड-19 के बीच दुर्गा पूजा मनाया। जहां लोगों ने सोशल डिस्टेंस का भी पालन किया, लोगों ने मास्क लगाए, प्रशासन ने अपनी अहम भूमिका निभाई। हालांकि कई जगह सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ी, कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगाए थे, फिर भी अब सब कुछ सामान्य है और दुर्गा पूजा समाप्त हो चुका है। लेकिन इस बीच एक ऐसा परिवार था जो कई सवालों के साथ गमगीन माहौल में दुर्गा पूजा मना रहा था, और वो परिवार कैलाश यादव के परिवार वाले थे। हम जिस कैलाश यादव के बारे में आपको बता रहे हैं उससे आप बहुत ही ज़्यादा रूबरू होंगे, ज़्यादा ही वाकिफ होंगे, क्योंकि आज से कुछ महीने पहले ही कैलाश यादव की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से पूरे गिरिडीह में उबाल था, लोगों में गुस्सा था और सभी, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, सभी एक ही मांग कर रहे थे कि कैलाश यादव की हत्या में शामिल अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि कैलाश यादव के परिवार वालों को न्याय मिल सके। पर क्या सच में कैलाश यादव के परिवार वालों को न्याय मिल चुका है? तो इस सवाल के दायरे में अगर बाहर हम निकल के देखें तो सवाल अब भी उठ रहे हैं और सवाल अब भी उठने लाजमी हैं, क्योंकि अब तक कैलाश यादव की हत्याकांड में शामिल कुछ मुख्य आरोपी अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। आपको बता दें कि इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी राजेश राय, मुकेश राय, छोटू राय और साथ ही कुछ और भी इस हत्याकांड में जो लोग शामिल थे, जो मुख्य आरोपी हैं, वो अब तक फरार हैं, जिसे पुलिस अब तक नहीं पकड़ पाई है। हालांकि पुलिस ने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, क्योंकि इससे पहले भी इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी यानी सुखदेव राय और भी कई लोग हैं जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और ऐसा नहीं है कि पुलिस अभी भी कुछ नहीं कर रही है, पुलिस अभी भी बहुत कुछ कर रही है। पुलिस ने अब सुखदेव राय के घर पर पोस्टर जारी किया है और साथ ही ढोल नगाड़े के साथ इश्तियार जारी किया गया था, और वो कुछ दिन पहले की ही बात है। और जब इश्तियार जारी किया गया है उसके 30 दिन के बाद कुर्की जब्ती करने का भी प्रावधान होता है। जब कोर्ट आदेश करेगी तब प्रशासन भी कुर्की जब्ती करेगी, यानी प्रशासन अपनी जो भूमिका है, अपना जो काम है वो कर रही है। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि राजेश राय और मुकेश राय आखिर क्यों पुलिस के गिरफ्त से बाहर है? क्या पुलिस असफल रही है इन दोनों अपराधियों तक पहुंचने में, या फिर वो इतने तेज हैं कि पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है? तो वैसे सवाल कई हैं। समाधान इंडिया ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसे आप देखें। मैं छोटेलाल यादव मोतीलेदा टोलो खेरन का हूँ। कैलाश भैया का जो निर्मल हत्या किया गया है, उस हत्या में मेन आरोपी जो मुख्य आरोपी है राजेश राय, मुकेश राय, छोटू राय अभी भी फरार है। 50 से 51 दिन होने चला, अभी तक नहीं पकड़ाया है। हम लोग SIT टीम का जो गठन मांग किए थे वो SIT टीम का गठन हुआ, लेकिन कोई पहल नहीं हो पा रहा है। अभी तक जो मुख्य आरोपी है अभी तक नहीं पकड़ाया है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द पकड़ाए और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, और हमारे जान माल का भी खतरा है। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधी जो है पकड़ाए और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, और हम चाहते हैं कि उसे फांसी की सजा होना चाहिए। कैलाश यादव हत्याकांड को लेकर समाधान इंडिया ने आपको हर अपडेट दी है, और आज भी कैलाश यादव हत्याकांड से जुड़ी खबर लेकर समाधान इंडिया आपको खबर दिखा रही है। जब हम सभी दुर्गा पूजा कोरोना वायरस के साय में मना रहे थे, तब कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी को भी समझते हुए कुछ और सवालों के साथ कैलाश यादव के परिवार वाले अपने आप से ही पूछ रहे थे कि आखिर कब तक कैलाश यादव के हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी राजेश राय, मुकेश राय, छोटू राय और भी जितने लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं सभी गिरफ्तार होंगे और कैलाश यादव के परिवार वालों को न्याय मिलेगा। हालांकि गिरिडीह पुलिस ने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन बहुत ही अच्छी तरीके से किया है, तभी इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुखदेव राय और भी कुछ लोगों को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेजा है। अभी हाल ही में पुलिस ने इश्तिहार जारी किया है जहां ढोल लगाड़ों के साथ पुलिस सुखदेव राय के घर पहुंची थी, जहां पुलिस द्वारा सुखदेव राय के घर पोस्टर चिपकाए गए और इस बात के संकेत पुलिस ने दिए हैं कि अगर कोर्ट आदेश करती है तो 30 दिनों के अंदर सुखदेव राय के घर का कुर्की जब्ती किया जाएगा। यानी पुलिस पूरी तरीके से तत्पर है, लेकिन फिर भी राजेश राय, मुकेश राय एक शातिर खिलाड़ी की तरह अब तक फरार है। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक इस हत्याकांड के बचे हुए मुख्य आरोपी राजेश राय, मुकेश राय, छोटू राय साथ ही हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपी पकड़े जाएंगे?
आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही कैलाश यादव की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से गिरिडीह जिले के कई सामाजिक संगठन, राजनीतिक पार्टियां एकत्रित हुई थी और सभी ने एक स्वर में यही बात कही थी कि कैलाश यादव की हत्या में शामिल सभी आरोपियों को जल्द से जल्द प्रशासन पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा सभी आरोपियों को मिले। लेकिन अब महीनों बीत जाने के बाद भी इस हत्याकांड के मुख्य आरोपियों में शामिल, इस हत्याकांड से पहले भी कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे राजेश राय, मुकेश राय अब तक फरार है। अब देखना यह है कि आखिर पुलिस कब तक इस हत्याकांड के मुख्य आरोपियों तक पहुंच पाती है और कैलाश यादव के परिवार वालों को न्याय मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाधान इंडिया।